महिलांविरोधात वाढत असलेल्या अत्याचाराला सिनेमा जबाबदार असल्याचं धक्कादायक वक्तव्य केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री मनेका गांधींनी केलंय. सिनेमातील अनेक दृश्यातील अत्याचार आणि हिंसेच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. सिनेमांमध्ये रोमान्सची सुरुवात ही छेडछाडीपासून होते आणि त्यानंतर महिला त्याच व्यक्तीच्या प्रेमात पडते, त्यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जात असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. Very important reason why men believe they can get away or they indulge in violence against women, and that is films. If you look at films, which are really a strong, have been possibly for 50 years the only way to communicate messages, I'm talking about feature films in every language in India, you will find that romance almost always in every film starts with eve teasing. The man and his friends will surround a woman, be mean to her, trip her up, show her down, abuse her, do touch her inappropriately, and then slowly she falls in love with him. या तो उसके ऊपर वल्गैरिटी है दिखाने. अगर आप उसी थीम को अगर निगेटिवली करना चाहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उसकी पार्ट ऑफ द फिल्म है तो दिखाना आमतौर पर एक जायज होता है, सेंसर बोर्ड भी मानती है. लेकिन सिर्फ वही वल्गैरिटी एंड वायलेंस दिखाने के लिए अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर से जो मैसेज जाएगा कि ये करना सही है. तो व्हाट शी सेज आई एग्री, मैं मानती हूँ कि उनका जो कहना है उसको मिस इंटरप्रेट न करते हुए उनका ये कहना है कि आप अच्छी फिल्में दिखाइए और अगर वल्गैरिटी एंड क्राइम अगर दिखाना है आपको, इफ इट इज यू वॉन्ट टू प्रिवेंट इट, आपको ये रोकना है तो रोकना ये मकसद होना चाहिए. उसको दिखाने से ग्लोरीफाई करना उसका मकसद नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका कहना.